किसी ने चैन पुल कर दिया, किसी ने चैन पुल कर दिया यार। जिस दिन से हमारा वो रेल चालू हुआ बालूघाट में, उस दिन का होगा ना फास्ट, हमारा आगे कोई नहीं। अच्छा, और ये इतना भूखा है ना, मैं क्या बताऊं। इस दिन के लिए मैंने पता नहीं कितने दिनों से इंतजार किया है कि कभी तो एटलीस्ट, अब मैं अभी तक याद है मेरे को। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बालूघाट। तो आप लोगों ने पहली वीडियो इससे देखी होगी जहाँ पर मैं किस तरीके से सियालदह से आया बालूघाट। करीब करीब हमको उस ट्रेन ने पहुँचा दिया 18 मिनट पहले। इतनी जल्दी हम लोगों को ट्रेनें आज के टाइम पे पहुँचा देती हैं अपने गंतव्य तक। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ 13190 जो कि आपके बालूघाट से सियालदह की ओर जाने वाली बालूघाट एक्सप्रेस। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों को लगे कि थोड़ा मैं बचकानी चीज़ें करूंगा इस वीडियो में, लेकिन सच मानो तो ये एक वो हिस्सा था जो मैं हमेशा बचपन से चाहता था कि कभी एटलीस्ट एक बार हो। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मैं भेलपूरी ले रहा हूँ। बालूघाट जो है वो है आपका दो प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जहाँ पे डेली बेसिस पे 7 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अगर मैं इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है दिनाजपुर। तो दक्षिण दिनाजपुर के अंतर्गत यह बालूघाट आता है। और बालूघाट के आगे आप, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोई लाइन नहीं है फिर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हावड़ा और सियालदह में वहीं तक ही सीमित रहती हैं, आगे कोई भी लाइन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं पता। देखो दोस्तों, फ्यूचर में एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे पास कुछ बचे हुए पराठे बचे थे, और ये इतना भूखा है ना, मैं क्या बताऊँ। उसको पता है मेरे हाथ में ना काटते, इस वजह से देखो अब देखना कैसे करेगा। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता, शायद ये मैं लास्ट WDM 3D का लोकोमोटिव देख रहा हूँ, वो भी गौर एक्सप्रेस के साथ। ये अपना 11475 मालदा का WDM 3D। यही चाहते हैं दोनों एंट्री हैं, और इस ट्रेन को जो हमारी बीच में खड़ी हुई है आज इसमें जरूर होने वाली है हमारे दो लोगों पहले। अभी जाएंगे उसको स्टार्ट करेंगे इंजन को, और देन इस ट्रैक पर आएंगे। और ये हमारी जो ट्रेन है अब लूप लाइन से मेन लाइन पे आएगी, यानी कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। हमारे LP साहब नीचे जाके चेक कर रहे हैं प्रोएक्टिवली कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो आसपास हो। तो आज कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सपने में कभी सोचा था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है। आज मैं जर्नी करने वाला था स्लीपर में, लेकिन अब मैं करूँगा इसमें M1 में, जो कि आपका 3-tier economy, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं
सपना था कि लाइफ में एक बार एटलीस्ट यार एक बार मेरा अपग्रेडेशन हो जाए इंडियन रेलवे में। और देखो रीजन बस यही है, एक तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बालूरघाट आके, मैंने कभी सोचा था कि लंबी जर्नी में होगा लेकिन कभी नहीं सोचा था कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा और अचानक से मेरा अपग्रेडेशन हो जाएगा स्लीपर से थर्ड एसी इकोनॉमी में, ना कि थर्ड एसी में। चलो मैं इस जर्नी की शुरुआत करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और यहाँ पे अभी जस्ट हमारी ट्रेन लगाई गई है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोच में जो कि है M1। और इस जर्नी की शुरुआत आप और मैं एक साथ करेंगे। मैं क्या ही बोलूँ, एक्साइटमेंट के मारे मेरा एकदम कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं इस वक्त। और मेरे पीछे जस्ट थर्ड टायर इकोनॉमी का कोच है जिसमें आज मैं जर्नी करने वाला हूँ। इस दिन के लिए मैंने पता नहीं कितने दिनों से इंतज़ार किया है कि कभी तो एटलीस्ट, अब मैं अभी तक याद है मेरे को, मैं 11th या 10th क्लास में था तब मेरी एक पापा को बोला था कि मैंने पापा कब ऐसा होगा कि मैं भी अपग्रेड होके, मेरी भी सीट कभी अपग्रेड होगी स्लीपर से थर्ड एसी। या उस टाइम पे थर्ड इकोनॉमी तो आया भी नहीं था, थर्ड एसी चलता था। लेकिन आज थर्ड इकोनॉमी में होने के बावजूद भी मैं अपने आप को मतलब बोल नहीं सकता वर्ड्स में जिसका होता है ना अपग्रेड कि एक्चुअली क्या फील होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा, जो लोग नॉर्मली थर्ड इकोनॉमी या थर्ड एसी, इवन दो जो फर्स्ट एसी भी बियर कर पाते हैं, मतलब नॉर्मल है ये सब चीज़ें, बट मेरे लिए मैं स्लीपर में हमेशा चढ़ना पसंद करता हूँ, स्लीपर में ही जर्नी करता आया हूँ। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट ऐसी स्ट्रेटजी हुई है जहाँ पर मेरे को ये अवसर मिला है यार। और मैं पूरी कोशिश करूँगा हर छोटी से छोटे पार्ट को कैप्चर करने की। यहाँ पर सिग्नल दे दिया है और मैं बाहर खड़ा हूँ, मतलब लिटरली मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि कब मैं 7 बन गए। ट्रेन अभी आई और जस्ट अभी डिपार्ट हो रही है, तो चलो मैं इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमारा डिपार्चर होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बालूरघाट के, और यहाँ पे यही मेरे को थोड़ा सा मोटिड लगता है कि हर फैमिली अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को छोड़ने आती है तो थोड़ा सा तो दुख होता ही है। और इधर हमारे LP साहब आगे से सिग्नल दे रहे हैं, इधर गार्ड साहब पीछे से, देख सकते हैं आप, वो देखिए हमारे LP साहब सिग्नल दे रहे हैं। ये जर्नी हमेशा याद रहेगी मेरे को, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं बालूरघाट आया था, सिर्फ इस वजह से भी कि मेरा यहीं से एक ट्रेन थी जिसमें अपग्रेडेशन हुआ था। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है अपग्रेडेशन, लेकिन जिसका होता है सिर्फ वो ही उसकी खुशी को महसूस कर सकता है। तो जी कुछ ऐसा है, पहले तो हम ये गेट बंद कर देते हैं, पता चले कोई कुछ बोलने लग जाए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है सच में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इसमें कभी ट्रेवल करूंगा। ये छोड़ो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें। तो देखो यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, ठीक है, और ये आपका लाइट का दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये काम कर रहा है ना, हाँ वर्किंग है। तो ये आपका इसमें अच्छा फीचर दिया हुआ है। सेकंड आपको यहाँ पे वाटर होल्डर भी दिया हुआ है, आप वाटर वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये तो अधिकतर आपको हर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका चार्जिंग सॉकेट, फैन के लिए भी, लाइट के लिए भी दे रखा है। एक यहाँ पे मिरर है, और ये सब तो आप लोगों को दे रखा है, कुशन पिलो वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल्स हैं बेसिकली। और ये आप लोगों के, ये मेरे को अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने बस वीडियो में देखा है, आज खुद इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, हा कितना देखने में और कितना अच्छा लगता है। देखो CCTV कैमरा भी दिया हुआ है, और इंगेज का भी इसमें ऑप्शन है, अगर कोई वॉशरूम जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगा। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। कैसा लगता है ना, कल ही आया था मैं इस ट्रेन से स्लीपर में S1 में, आज भी मेरा इसी ट्रेन में S1 में था, सीट नंबर 8। जस्ट इस ट्रेन के चार्ट प्रिपेयर्ड होने से शायद
तो मैं सच में चौंक गया। मैंने कहा थर्ड इकोनॉमी में मेरा अपग्रेडेशन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ सपने में भी कि मेरा कभी अपग्रेडेशन होगा। उसी के साथ अब रहना पड़ेगा और इसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सच में एक सपना था कि कभी एक ना एक दिन तो मेरा थर्ड इकोनॉमी या थर्ड एसी या किसी में भी एटलीस्ट अपग्रेड होगा। आज वो दिन आ गया है, तो मैं कोशिश करूंगा इस जर्नी को पूरी तरीके से एंजॉय करने के लिए। हालांकि अगर मैं इस पूरे पूरा कोच खाली जा रहा है, देखो पूरा का पूरा कोच ये खाली जा रहा है, एकदम नाम मात्र लोग हैं। और थोड़ा सा जैसे कि मैं हर यहाँ भी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो इधर भी ये बेसिकली मेरी सीट होने वाली है आज की। और इधर झालमुड़ी वाले भैया आ गए, इनसे मैंने स्टेशन पर झालमुड़ी लिया था 20 रुपये का। तो दादा सच में आप बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में दे रहे हो, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। सच में मेरे को इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से देने के लिए। मैंने स्टेशन पे लिया था आपसे 20 रुपये का। थोड़ी देर पहले आप वहाँ बैठे होते जब गोर आई थी, गोर मेला एक्सप्रेस लाइन में जितना भी होगा रहे, उससे अच्छा मूवी होगा बिल्कुल। और आपका सिर्फ यहाँ पे मैंने नहीं देखा, मतलब मैं जितना भी खाया हूँ ना, ये मेरे को अब तक का क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लगा। जिस दिन से हमारा वो रेल चालू हुआ बालूघाट में, उस दिन का होगा ना फास्ट, हमारा आगे कोई नहीं। अच्छा, एकदम फास्ट होगा। चलो बढ़िया है, थैंक यू भाई। हम खाना जो देते हैं बढ़िया। चलो बढ़िया है, यही चीज चाहिए था। डांस करने का मन कर रहा है मेरे को, सीरियसली डांस करने का इस अभी इस टाइम में, इस मोमेंट में। हालांकि इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो आपका रामनगर। मैंने सारे स्टेशन पहले वाली वीडियो में कवर कर दिए हैं, अच्छा होगा आप लोग समझ भी और देख भी पाए होंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ से जो बेसिकली अभी लोग बाग यहाँ से चढ़ेंगे वो आपका कुछ तो है मालदा से और कुछ है आपके, मैंने देखा था ये न्यू फरक्का से। और ये हम अराइव कर रहे हैं रामपुर। रामपुर में उतर नहीं सकता, रीजन आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ पे ना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे लोग बाग चढ़ जा रहे हैं एसी में ही, हो सकता है इन लोगों का भी अपग्रेड हो गया हो मेरी तरह। कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे, किसी को कुछ नहीं बोल सकता भाई। दोस्तों भैया जस्ट बताया मेरे को, ये बेसिकली थर्ड इकोनॉमी में जैसे मैंने थर्ड एसी में देखा है उसमें डिफरेंट रहता है, उसमें ना कोच के साइड में ही रहता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंजस्ट करके यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाया गया है, जहाँ पे बेडिंग वगैरह हर चीज वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये मेरे को जस्ट लाइक अलमारी होता है, अलमीरा भी बोल सकते हो आप, उस तरीके का थोड़ा सा इसको डेकोरेशन दिया गया है। काफी सुंदर लग रहा है वैसे तो, और नीट एंड क्लीन भी रख रखा है, देख सकते हो। चलो दोस्तों इधर से सिग्नल दे दिया है, रामपुर बाजार। देखो यहाँ पे ये किस लिए दिया गया है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। ये कुछ भैया ये बाहर हैं। और यहाँ पे अगर मैं टैप की बात करूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमृत भारत में दिया गया है, सेम एज यहीं से ही है। आप यहाँ पे नीचे प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, इसमें ये स्पेसिफिकेशन अच्छा है कि वैकेंट है। सो ये है जी कुछ थर्ड इकोनॉमी का वॉशरूम। सोचा था मैंने यार कि बहुत बहुत ही ज्यादा लेट मैं कभी थर्ड एसी या थर्ड इकोनॉमी का वॉशरूम दिखाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं था इतना जल्दी दिखाऊंगा। तो देखो देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी वॉकिंग है। तो सोप जो दिया गया है दोस्त, और यहाँ पे आपको कुछ सोप वगैरह रखना हो उसके लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्लश की, ये आधुनिक फ्लश सिस्टम है और ये एकदम नीट एंड क्लीन है, उस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट के लिए भी दिया गया है, और ये फ्लश की है हमारे पास, तो काफी नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो आप एकदम साफ सुथरा है। और ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए यही था कुछ थर्ड इकोनॉमी का वॉशरूम।
और चलो मैं आगे की जर्नी आप लोगों को कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा लग रहा है लॉटरी लग गई है लोगों की, क्योंकि जिनका सेकंड एसी में था सुनने को ये आ रहा है उन लोगों का फर्स्ट एसी में हो गया, जिन लोगों का थर्ड इकोनॉमी में था उनका थर्ड एसी में हो गया है, और जिनका स्लीपर में था यानी कि मुझ जैसा था उन लोगों का थर्ड इकोनॉमी में हो गया है। तो हालांकि मैं अगर बता दूँ समय के अकॉर्डिंगली समय हो रहा है अभी 7:34 और हमारी इस ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बिल्कुल पंचुअल चल रही है अभी तक ट्रेन, हालांकि आगे जाके देखते हैं मालदा न्यू फरक्का के आसपास ये हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, मैं ये बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही ट्रेन लेट्स होती हैं। उस टाइम पे क्या होता है जो हावड़ा या सियालदह से आने वाली ट्रेनें होती हैं वो क्रॉस करती हैं, और अभी जो गौर एक्सप्रेस है वो इसी के जस्ट आगे है, हो सकता है हम उसको मालदा में बीट कर दें, बीट यानी कि कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हैं उसको। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल दिया जा रहा है और हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी, मैं आप लोगों को इसका डिपार्चर दिखा। समय हो रहा है 7:36 और यहाँ से हमारी ट्रेन पार्ट करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और हाँ एक चीज़ और बतानी थी, ये जो कोच बना है वो इसमें लिखा भी है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में, तो रायबरेली में ही आपका बना है। तो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है आपका उदयारपुर जी, देखिए और दोस्तों हम अब अराइव कर रहे हैं बुनियादपुर। और दोस्तों हमारे यहाँ से डिपार्चर होता हुआ बुनियादपुर से, लगभग 8:40 हो रहा है समय अभी। काफी शांति भरा स्टेशन सा लग रहा है, आवाज सुन रहे हो F7 की, मतलब एक कल्याणी अपने आप में ही दिखा रहा है कि मतलब नेक्स्ट लेवल अपने आप में होगा। और ये बुनियादपुर का डिपार्चर, ये लोग किसी ने चैन पुल कर दिया, किसी ने चैन पुल कर दिया यार, शिट किसने किया है यार। अभी दोस्तों यहां से हम लोगों को अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल सकती है, आप देख भी सकते हैं, अगर भीड़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे आगमन कितना है। 17 मिनट हो रहे हैं, 2:47 हो रहे हैं, लगभग 73 यानी कि 70 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं गजोले। सुबह आप लोगों ने देखा होगा मेरे को पिछली वीडियो में जहाँ पर मैं स्टेशन पर आया था, जस्ट मैं यहाँ से स्टेशन डिपार्ट कर गई थी ट्रेन, तब तक मेरा यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया था, मैं यहीं पे ही जगा था बेसिकली। तो अभी समय इसमें देखो कितना हो रहा है, 2:48 और मेरा यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। हालांकि इस ट्रेन अभी तक ठीक ठाक चल रही है, शायद 5-10 मिनट लेट है लेकिन। और अगर मैं गजोले की बात करूं तो बेसिकली यहां पे 2 प्लेटफॉर्म के साथ आता है ये स्टेशन, और यहां पे डेली बेसिस पे आपकी 14 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं, कोई भी टर्मिनेट और ओरिजिनेट नहीं होती है। और यहां से ही डिस्ट्रिक्ट जो स्टार्ट हो जाता है वो है आपका मालदा। नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, बताओ कौन सा, कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहां पे मेरा डिपार्चर होने वाला है। चलो दोस्तों सिग्नल दे दिया गया है हम लोगों को, कोच कौन सा सबसे ज्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, M1 या M2? M2 अच्छा लगेगा क्योंकि 2:50 का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसके ऊपर, हालांकि अच्छा लग रहा है मेरे को इसका रिफ्लेक्शन इस पर। चलो दूसरी बार ये हॉन्क मारा है हमारे बालूघाट एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन डिपार्ट करते हुए। खाने की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको स्टॉल देखने के लिए मिल सकता है गजोले स्टेशन पे, और कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे एक स्टेशन वन प्रोडक्ट वन स्टेशन के नाम पे आपको यहाँ पे एक मोदी जी के नेतृत्व में
मिल जाएगा एक छोटा सा आपको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। दोस्तों गजोले से अच्छे खासे लोग बोर्डिंग किए हैं और मैं अगर इस एसी कोच की बात बताऊं तो हल्का बहुत कंजेस्टेड कहीं ना कहीं किसी लेवल पर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एकदम टिप टॉप है, नीट एंड क्लीन रख रखा है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये हमारा गजोले जाता हुआ नेक्स्ट सेशन आने वाला है, मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट सेक्शन में। एक लकी दोस्तों लगभग 87 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं एक लकी स्टेशन, जिसका स्टेशन पड़ा है EKI और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। हालांकि अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बताऊँ तो एक लकी जो है वो आपका जंक्शन कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से ना राधिकापुर के लिए भी रूट निकलता है। राधिकापुर से आप लोगों ने मेरे को एक ट्रेन में देखा होगा, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। एक ट्रेन में मैंने जर्नी करी थी, हालांकि मैं राधिकापुर तक नहीं गया था, मालदा टाउन में ही डिपोर्ट कर गया था। और यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला हुआ है। अगर मैं ट्रेन के टाइमिंग की बात करूँ तो 8:38 का यहाँ पे इसका समय था, लेकिन अपने निर्धारित समय से ये पहले ही आ चुकी है, यानी कि बिफोर चल रही है। 8:28 पे ही आ चुकी है दोस्तों। यहाँ आप लोगों ने जैसे कि अभी देखा होगा कि यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया किस लिए वो नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुन के देख के ठीक ठाक लगाया। 90 दोस्तों हमारे यहाँ से सिग्नल देते हुए हमारे LP साहब निकाल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी से ही देख सकते हैं आप धुंध सी छाई हुई है और लगभग समय हो रहा है आपका 8:40। तो एकदम राइट ट्रेन चल रही है अभी, राइट टाइम एक लकी जंक्शन। अमृत भारत दाणी है। दोस्तों आप देख सकते हैं अमृत भारत खड़ी हुई है, ये वही अमृत भारत है जो संडे के दिन यानी कल इसका कॉमर्शियल रन है। और ये रहा अपना VAC 5। लगभग दोस्तों आधा घंटा पहले ही हमारी ट्रेन जो है वो अराइव कर गई है। आप समय देख सकते हो, आधा घंटा बोलूंगा नहीं, 31 मिनट का समय हो रहा है। अभी 9 बजे समझिए और यहाँ पे हमारी ट्रेन अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। आप लोगों को याद होगा, अगर वो जर्नी याद है जहाँ पर मैं गया था 3 नंबर से सिलचर एक्सप्रेस में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज जा रहे हैं बालूघाट एक्सप्रेस में। नौ बज गए हैं दोस्तों, लगभग 106 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं मालदा स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MLDT। और यहाँ से एक ट्रेन हमारी शायद अब जाएगी यार्ड की ओर जाएगी। और कौन सी ट्रेन है चाचा? ओ चाचा, चाचा भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे भाई, गजब बेइज्जती हो गई। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि यहाँ से जो
ट्रेन है अभी आधा घंटा रुकेगी। और हाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था खाना जो कि मेरे को पड़ा 129 रुपीज़ का, उसी का ही वेट कर रहा हूँ मैं कि कब तक आएगा, देखते हैं कितना टाइम लेता है भैया ऑर्डर लाने में। मुझे लग रहा है वो पहले एसी वगैरह को भेजेंगे जो H1 में है, A2 में है, उसके बाद यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आएंगे। A2 बोल रहा हूँ, सॉरी A1। मैं जैसी अभी उतरा तो उतरने के बाद मैंने देखा ये भैया रोटी दे रहे हैं, रोटी और सब्जी, चार रोटी और सब्जी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं रोटी और सब्जी चार है। मैंने वैसे ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आता है देन एंड देयर फिर मैं यहीं से लेना पड़ेगा मेरे को। दोस्तों 9:05 का समय हो चुका है और खाने का भी तक कुछ अता पता है नहीं। मैंने डिलीवरी वाले पर्सन को भी कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो यार ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोपहर से ना उसके बाद से कुछ नहीं खाना खाया मैंने। दोपहर के बाद अब जस्ट खाना खाऊंगा लेकर। और हाँ एक चीज़ और, एक भैया मेरे साथ बोर्ड कर रहे हैं, उनकी वजह से इतना फ्रीली मैं ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ और वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बैग का ख्याल रख रहे हैं। अगर भैया आप कभी इस वीडियो को देखें थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैसेंजर इतने अच्छे मिल गए हैं, लकीली ऐसा होता नहीं है, ना ही मेरा कभी जर्नी के दौरान इतनी बातचीत होती है कभी किसी मेरे को पैसेंजर से, लेकिन ये को पैसेंजर्स मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए। तो मालदा में हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और लगभग, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी दोस्तों, आज जो ये ट्रेन है, हालांकि ये ट्रेन जो है आपका वो आजिमगंज कटवा होती हुई जाती है, लेकिन आज ये ट्रेन डाइवर्ट रहेगी। रूट पे कुछ चलते कुछ काम वाम चल रहा है उसके रहते हुए ये ट्रेन आज बर्धमान होती हुई जाएगी, यानी कि हमारा जो नैयाटी और बैंडल वाला स्टॉपेज रहेगा वो ऑफ रहेगा, ठीक है। और ये ट्रेन बर्धमान जाएगी यानी कि दानकुनी होते हुए वो दक्षिणेश्वर वाला जो रूट है ना, समझ गए होंगे ER वाले, तो वहीं से ये जाने वाली है आज ट्रेन। हालांकि अभी ट्रेन का टाइमिंग पर भी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, 25 मिनट अभी हाथ में है। मालदा तो आप लोगों को बताया नहीं, तीसरी बार मैं मालदा आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा राधिकापुर वाली एक्सप्रेस में आया था मैं कोलकाता से मालदा 2:30 बजे करीब, और दूसरी बार मैं अमृत भारत में गया था, और ये जो मेरी जर्नी हो रही है थर्ड टाइम थर्ड इकोनॉमी में वो आपकी हो रही है बालूरघाट एक्सप्रेस में, जो कि हम लोगों को शियालदा कल सुबह 4:30 बजे तक पहुंचाएगी। इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो न्यू फरक्का जंक्शन है, कोशिश करूंगा अगर मैं उसको कवर करने की, हालांकि वो आएगा 10:30-11 बजे तक। अगर मैं तब तक जगा रहा तो मैं ज़रूर कवर करूंगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा रिस्की है। एक और मैं अपडेट दूंगा आप लोगों को, वो अब अंदर ही चल कर देता हूँ। चलो तो दोस्तों ये खड़ी है अपनी बालूरघाट एक्सप्रेस, यहाँ अंकल जी ने खाना दिया है और ये हम खा रहे हैं, इसमें टेस्ट तो अच्छा ही होगा काफ़ी, तभी मैं खा के देखता हूँ किस तरीके का टेस्ट आता है। ठीक ठाक है, नॉर्मल है। चलो मैं जल्दी से खा लूँ, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। दोस्तों समय हो रहा है करीब करीब 10:15 और सोने का टाइम पूरा हो गया है। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना आस पास ऐसा लग रहा है मुर्दा घर में आ गया हूँ, हर जगह वाइट ही वाइट वाइट। ठीक है, पिलो मेरा पीछे है, ये आपका ब्लैंकेट हो गया, ये आपका कुशन हो गया, बस यही सब है, और ये हमारी लाइट है। मोबाइल अपना अपना सेफ जगह रखिएगा, मोबाइल पार्ट्स छोटा पार्ट्स सेफ जगह में रखिएगा। चलो आप लोगों ने RPF सर के इंस्ट्रक्शन सुनी लिए होंगे, भैया चोरी वोरी होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस रूट पे चोरी की मात्रा अच्छी खासी है, इस वजह से सजेस्टेड ये है कि एक तो जल्दी सो जाएं और थोड़ा अपने सामान का भी ध्यान रखें। तो चलो मैं सोता हूँ, अभी 15 से 20 मिनट बाद न्यू फरक आएगा, अभी मेरा कुछ उतरने का प्लान नहीं है।
काफ़ी रात हो गई है और अच्छा लग रहा है। ये ना मेरा पिलो, मैं चला सोने। बाय। दोस्तों सो चियाल्ला आने वाला है बस, और अभी दमदम क्रॉस किया है शायद हम लोगों ने, ऐसे तो पता चल रहा है। तो लगभग दोस्तों भी बज रहे हैं 5 आज के 28 मिनट और आप देख सकते हैं रैली निकल रही है और यहाँ पे हमारी जर्नी एंड होती है। एक घंटा समथिंग ट्रेन लेट है, एक घंटा समथिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी 2 मिनट है, लगभग 58 मिनट ट्रेन लेट हमारी आई है सियालदह स्टेशन पे। अभी 5:28 हो रहे हैं और अपनी वीडियो भी यहीं पे रखता हूँ। बेसिकली ट्रिप थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही रही और ये भैया मेरे साथ ट्रेवल करते रहे, मेरे को पैसेंजर थे, अच्छा खासा ही ट्रिप बीता मेरा। और जल्दी से वीडियो मिलता हूँ आप लोगों को, यहीं तक ही रखता हूँ इसको और मेरे को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, जल्दी से मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आइए और ये देखिए पीछे ना मेरे बहुत नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के, सुबह सुबह ही 5:29 हो गया है समय और नारे लग रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, जल्दी से मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखता है।